दोस्तों, कौवे और मैना पक्षियों को तो ज़्यादातर आप सभी ने देखा ही होगा। यह आम तौर पर आसानी से देखने को मिल जाते हैं। कौवे को अंग्रेजी भाषा में किरो कहा जाता है, जबकि दोस्तों मैना पक्षी को अंग्रेजी भाषा में मैना ही कहा जाता है। कौवे की मुख्य पहचान इसकी कर्कश काऊ काऊ की आवाज़ और इसका काला रंग होता है। कौवे की बोली कठोर होती है। कौवे ऐसे पक्षी हैं जिन्हें अक्सर बदसूरती से संबोधित किया जाता है, जबकि दोस्तों मैना एक खूबसूरत पक्षी है। मैना की आवाज़ बहुत मीठी होती है। इसकी मीठी आवाज़ की वजह से ही इसे पालतू पक्षी के रूप में पाला जाता है। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर महाद्वीप में कौवे पाए जाते हैं। दुनिया भर में कौवे की लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कौवे की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से सबसे छोटा घरेलू जंगली कौवा और काला कौवा ही ज़्यादातर दिखाई पड़ते हैं। कौवे के समूह को हॉल्डी या फ्लॉक कहा जाता है। भारत के कुछ राज्यों में कौवे को अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे कि राजस्थान में कौवे को कागला कहा जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश में कौवे को कौवा कहा जाता है और बिहार में कौवे को काग कहा जाता है। प्रजाति के अनुसार कौवे का आकार भिन्न भिन्न होता है। अमेरिकन किरो का आकार 46 सेंटीमीटर और फिश किरो का आकार 50 सेंटीमीटर का होता है, जबकि काला कौवा आकार में काफ़ी बड़ा होता है। यह लगभग 72 सेंटीमीटर का होता है। इस कौवे को रावण कहा जाता है। कौवे का वजन 300 ग्राम से लेकर 1800 ग्राम तक हो सकता है। दुनिया में कौवे की सबसे छोटी प्रजाति मेक्सिको की डार्फ जे है। दोस्तों, इसकी लंबाई केवल 20-22 सेंटीमीटर और इसका वजन लगभग मात्र 38 ग्राम होता है। जबकि दोस्तों मैना ज़्यादातर भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश में पाई जाती है। दोस्तों, पहले यह पक्षी केवल दक्षिण एशिया के देशों में ही पाया जाता था, लेकिन अब यह धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों में भी पाया जाने लगा है। मैना की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। इन प्रजातियों में देसी मैना, जंगली मैना, गुलाबी मैना, पहाड़ी मैना, पवई मैना, भारतीय मैना, आम मैना, धूसर मैना, तटीय मैना, ब्राह्मणी मैना, किलहटा मैना, तेलिया मैना, अलबखा मैना तथा पाइड मैना है। दोस्तों, गुलाबी मैना, पहाड़ी मैना, भारतीय मैना और पवई मैना इनकी प्रमुख प्रजातियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में देसी मैना ही पाई जाती है। मैना की सभी जातियां रंग रूप में और आकार प्रकार में एक दूसरे से विभिन्न पाई जाती हैं। सामान्य रूप से मैना का आकार 22 सेंटीमीटर से 38 सेंटीमीटर तक पाया जाता है और इसके शरीर का वजन लगभग 130 ग्राम से लेकर 220 ग्राम तक हो जाता है। इसके शरीर का रंग मटमैला खैरा तथा सिर, गर्दन और दुम का रंग काला होता है। इसके सीने की तरफ वाला भाग भी काला नजर आता है और इसकी चोंच नारंगी रंग की होती है। भारतीय मैना की पीठ और शरीर का मुख्य रंग भूरा होता है। इसका पेट सफ़ेद रंग का होता है और इसकी छाती और सिर का रंग काला होता है। इसके पंख भी काले रंग के होते हैं। इसकी चोंच, पैर और आंखें पीले रंग की होती हैं। देसी मैना पहाड़ी मैना से आकार प्रकार में छोटी होती है। इसके शरीर का रंग कुछ भूरा सा तथा चोंच नारंगी या पीले रंग की होती है। इसकी आंखों के आसपास का भाग भी कुछ पीला पीला होता है। पंखों के ऊपर सफ़ेद रंग की धारियां पाई जाती हैं। किलहटा मैना का खैरा रंग, सिर, गर्दन काले, पूंछ का सिरा सफ़ेद, आंखों की पुतली भूरी और पैर पीले पाए जाते हैं, जबकि दरिया मैना, इसे गंगा मैना या चहा मैना भी कहते हैं, इसके सिर, गर्दन काली होती है और बाकी शरीर का हिस्सा भूरा होता है। इसकी चोंच नारंगी रंग की होती है और आंखों के चारों ओर का हिस्सा लाल होता है। यह नदी, तालाबों और कुओं के आसपास
घोंसला बनाने की वजह से इसे दरिया मैना कहा जाता है। तेलिया मैना को तिलोरी भी कहा जाता है। इसे ठंड अधिक पसंद होती है। इसके शरीर पर बादामी रंग की धारियां पाई जाती हैं। महुए के फूलों का रस इस पक्षी को ज्यादा पसंद है। पहाड़ी मैना चकाचौंध में ना रहकर जंगलों में वृक्षों पर रहती है। यह फल बहुत ज्यादा खाती है। इसकी दुम और डैने चोंच और पैर छोटे और मजबूत होते हैं। चोंच लाल, आंखें काली, पैर और सिर पीले रंग के होते हैं। दोस्तों, यह बर्मा, थाईलैंड आदि देशों में पाई जाती है। इसकी बोली मीठी होती है, इसलिए इसे पिंजरे में रखना ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, अलबखा मैना का शरीर काला होता है। इसकी आँख की पुतली और पैर पीले होते हैं। नवई मैना, जिसे ब्राह्मणी मैना भी कहते हैं, रूप रंग में यह अलबखा की तरह ही होती है। दोस्तों, कोए सर्वाहारी होते हैं। कोए कुछ भी खा लेते हैं। यह ना तो पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं और ना ही पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं। यह अपने आहार में 1200 से ज़्यादा खाद्य पदार्थ खाते हैं। इनमें रोटी, मांस, घरेलू भोजन, कीड़े मकोड़े, मांस से लेकर फल और बीज के साथ साथ यह मृत तथा सड़े हुए जीव भी खा लेते हैं। दोस्तों, कोए को प्रकृति को स्वच्छ रखने वाले पक्षियों में गिना जाता है, क्योंकि यह भोजन के रूप में सड़े गले भोजन एवं कीटों को खाकर वातावरण को साफ बनाए रखता है। कोआ भोजन को व्यर्थ नहीं करता है, बल्कि भविष्य के लिए संचित करके रख देता है। कोए ज़्यादा भोजन को छोड़ते नहीं हैं। जब इनके पास भोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो यह इसका बाद में प्रयोग कर लेते हैं, इसीलिए यह संग्रहित करके भोजन को रखते हैं। जबकि दोस्तों, मैना भी एक सर्वाहारी पक्षी ही है। यह फूलों का रस, बीज, फल, अनाज, कीट पतंगे, कीड़े, साग सब्जी के टुकड़े, रोटी के टुकड़े तथा छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा लेती है। यह दाना और कीड़े ज़्यादातर खाती है। दोस्तों, नर और मादा कोए समान दिखते हैं। इन्हें अलग करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। हालांकि नर कोए मादा कोए की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। नर कोए प्रकृति में साहसी होते हैं और वयस्क मादाएं अधिक विनम्र होती हैं। कोए आमतौर पर एक लंबे पेड़ में घोंसला बनाते हैं। यह सदाबहार पेड़ों में घोंसला बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पतझड़ के पेड़ों पर भी यह घोंसला बना लेते हैं। ज़्यादातर मात्रा में यह प्रजातियाँ टहनियों और शाखाओं का प्रयोग करके एक बड़े घोंसले का निर्माण करती हैं। कोए का घोंसला सामान्य रूप से 2 फीट के व्यास का होता है और यह ज़मीन से लगभग 55 फीट ऊपर होता है। लेकिन दोस्तों, यह मानव निर्मित संरचनाओं का उपयोग करके भी यह घोंसले बना लेते हैं, जैसे कि यह खंभों पर, पेड़ की डाली या चट्टानों के किनारे पर घोंसला बना लेते हैं। नर और मादा कोआ दोनों मिलकर टहनियों, बाल और छाल से घोंसला बनाते हैं। यह घोंसले का निर्माण ज़्यादातर अप्रैल और मई में करते हैं। ज़्यादातर कोआ अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरी चिड़ियों के घोंसले पर हमला करके उसी में अपने अंडे दे देते हैं और अंडे देने के बाद घोंसले में ही मादा अंडों को सहती है। और जब मादा कोआ अंडों को सहती है, तब नर कोआ उसकी रक्षा करता है। नर और मादा कोआ दोनों मिलकर अपने बच्चों को पालते हैं। मादा कोआ एक बार में 4 से 6 अंडे देती है और इन्हें लगभग 20 से 45 दिनों तक सहती है। ये अंडे हरे या जैतून रंग के गहरे धब्बेदार होते हैं। बच्चे कोए 30 से 36 दिनों के लिए घोंसले में रहते हैं। वयस्क कोए और किशोर कोए में उनकी काली आँखों से अंतर किया जा सकता है। किशोर कोए की आँखें हल्की नीली होती हैं। इनके शरीर पर अधिक भूरे पंख होते हैं। वहीं वयस्क कोए के शरीर पर बैंगनी चमक और पंखों पर हरी नीली चमक होती है।
मादा कौवे 3 साल में और नर कौवे 6 साल में संबंध बनाने योग्य हो जाते हैं। जब कौवा अपने घोंसले से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है तो थोड़े दिनों के लिए वह जमीन पर उड़ने के गुण सीखने के लिए अपने माता पिता के साथ रहता है। अधिकांश पक्षी उड़ान सीखने के बाद अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों कौवा अपने माता पिता के साथ लगभग 5-6 साल तक रहना पसंद करता है। जवान कौवा अपने माता पिता को छोटे कौवों की देखरेख करने में भी मदद करता है। दोस्तों कौवे का जीवन काल उसके रहने के स्थान के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। जंगलों में कौवों का जीवन काल लगभग 15 से 22 साल का होता है, जबकि देखरेख में रहे जाने वाले कौवे का जीवन काल लगभग 32 साल तक होता है। जंगलों में पाए जाने वाले सबसे पुराने कौवे 18 साल तक जीवित रहते थे। एक जानकारी के अनुसार न्यूयॉर्क में मनुष्य की देखरेख में रखे जाने वाले कौवे का जीवन काल लगभग 60 साल रहा था। दोस्तों कौवे की तरह नर और मादा मैना भी देखने में एक समान ही लगती हैं। इनमें भी कोई खास अंतर नहीं होता, यह दूर से देखने पर एक जैसी ही दिखाई देते हैं। दोस्तों वैसे तो मैना खुद का घोंसला पेड़ों पर बनाती है, लेकिन अपने अंडे किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में भी रख देती है। मैना अपना घोंसला मकान की छतों पर, पेड़ों पर और पेड़ों के खोखलों और कुओं में बनाती है। इनके अंडों का रंग नीला होता है। मैना के अंडे की संख्या 4 से 5 होती है। इनके अंडे देने का समय जुलाई और अगस्त होता है। यह अंडों को लगभग 14 दिनों तक सहती है और इसके बाद इनसे बच्चे निकलते हैं। ये बच्चे गुलाबी रंग के होते हैं। बच्चे के शुरुआत में पंख नहीं होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पंख आ जाते हैं। ज़्यादातर मैना झुंड में रहना पसंद करते हैं। कुछ मैना घनी बस्तियों में तथा कुछ जंगलों तथा वनों में भी रहती हैं। मैना पक्षी मनुष्य के घर के आसपास ज़्यादा रहना पसंद करती है। यह गांव के मैदानों, तालाबों और खेतों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों गुलाबी मैना देखने में काफ़ी सुंदर होती है। इसके सिर और डैने तथा शरीर का शेष भाग गुलाबी होता है। पहाड़ी मैना पहाड़ी इलाकों के जंगलों में पाई जाती है। यह मेघालय और छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पक्षी भी है। पवई मैना को ब्राह्मणी मैना भी कहते हैं। यह भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया में मिलती है। यह ज़्यादातर मैदानी इलाकों में प्रवास करती है। यह मैना शोर बहुत मचाती है और इसकी आवाज़ सीटी की तरह होती है। भारत में कौवों को संदेशवाहक के रूप में भी जाना जाता है। यह कई बार अपनी कर्कश आवाज़ में काऊ काऊ करके भविष्यवाणी करते हैं। यह किसी अनहोनी की चेतावनी भी देते हैं। कई लोग कौवे को एक शगुन मानते हैं, लेकिन अन्य दूसरे लोग इसे अपशगुन भी मानते हैं। यह किसी इंसान के सपने में दिख जाए तो ऐसा बताया जाता है कि इसका सपने में देखना एक बुरा संकेत है। कौवे अलग अलग धार्मिक बातों से और प्रथाओं से जुड़े हुए हैं। भारत में लोग मानते हैं कि अगर कोई कौवा हमारे घर के सामने चिल्ला रहा है तो उस दिन हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है। भारत में पितृपक्ष में पूर्वजों को भोजन कराने के तौर पर पहले कौवों को भोजन कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु उपरांत व्यक्ति सबसे पहले कौवे का जन्म लेता है। कौवों को भोजन कराना उन पूर्वजों को भोजन कराने के तुल्य माना जाता है। हिंदू समाज में कौवे को लेकर अनेक धारणाएं हैं। उन्हीं में से एक ऐसी धारणा है कि श्राद्ध कर्म में कौवे को खाना खिलाने से पूर्वजों को उनका अगला जीवन अच्छा मिलता है। दोस्तों कौवे की तरह हिंदू समाज में मैना को लेकर भी अनेक धारणाएं हैं। इन्हीं में से एक ऐसी धारणा है कि माता पार्वती की माँ का नाम मैना है और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी मैना को हिमालय की पत्नी के रूप में लिखा गया है। दोस्तों जिस तरह कौवे को हमारे घर आंगन से ज़्यादा लगाव होता है, ठीक उसी तरह मैना को भी हमारे घर आंगन में घूमना फिरना पसंद है।
तो दोस्तों यह थी कौए और मैना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।